काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। सीधी माँ लगातार डिप्टी रजिस्ट्रार के जो है मनमर्जी के मामला सामने आ रहा है। हमारा 8 नंबर जो रजिस्टर हो गया पहन कैसे हो गया तो हम पहन के भाई जमीन को बेचे 2 नंबर जी। कितनी जमीन बेचे है? 2 एकड़। 2 एकड़ जी। पैसा पाएगा जी? कोठे दस्तखत क्या है? क्या ये बताइए कि कोठे कहाँ पूछी अपना से अधिकारी? अबे फोटो ली नहीं और कागज दस्तखत कराए पूछे नहीं आते कुछ पूछी जानी नहीं कितनी जमीन बेची ला है कितना कुछ नहीं पूछनी। लगातार लोगों का ठगे गए के और उनके साथ एक संगठित लूट के मामला सामने आ रहा है। कहीं तुम गांजा उंजा पिए रहता कहीं गांजा उंजा नहीं कहीं हुआ 10 लाख रुपया दी थी हमको नहीं दी हमको हम 2 नंबर पे थे केवल हमको 2 लाख रुपये दी थी। खबर मध्य प्रदेश के भिंड के सीधी से है जहां सीधी माँ लगातार डिप्टी रजिस्ट्रार के जो है मनमर्जी के मामला सामने आ रहा है। लगातार लोगों का ठगे गए के और उनके साथ एक संगठित लूट के मामला सामने आ रहा है जहां किसान के द्वारा लगातार आपन दर्द बयां किया जा रहा है और गली गली दर दर भटके के काम किया जा रहा है। सबसे बड़ा मामला जो आवा है वह एक पीड़ित के है जब अपना पहलो एमपी संदेश न्यूज 24 में खबर सुने हो जहां वह बिचारे के 3 एकड़ 65 डिसमिल के कुल रकबा रहा 65 डिसमिल बेचे वाले रहे लेकिन रजिस्ट्री लेखक और डिप्टी रजिस्ट्रार सचिन जैन के करतूत के द्वारा अब हुआ पीड़ित गरीब व्यक्ति घर से बेघर हो गया है। विंध्य क्षेत्र के यह पहली पघेली न्यूज चैनल कनिस्तीवार प्रपंचन का समय जनन का प्रणाम करी थो शुरुआत करी थी बेहद दुखद खबर के जहां सीधी माँ रजिस्ट्रार कार्यालय में खुलेआम लूट का अंजाम दिन जा रहा है। वह संगठित लूट के बड़े हिस्सा बन रहे हैं डिप्टी रजिस्ट्रार सचिन जैन। हमारे द्वारा खुद उनसे जान के जानकारी लेके प्रयास किया कि आखिरकार उनके द्वारा अपन जवाबदारी काहे नहीं पूरी की जाए काहे कि खुलेआम या लूट के जो है मास्टरमाइंड के साथ दे रहे हैं रजिस्ट्री लेखक जेका जो है सही जानकारी लिखे के अधिकार होते और सही जानकारी लिखे के ओकर कर्तव्य है लेकिन खुलेआम वह लोगन का गुमराह के भूले भाले गरीबन के रकबा बढ़ा के लिख देते और वह जब रजिस्ट्रार कार्यालय में जाते रजिस्ट्री करावे तो ओकर डिप्टी रजिस्ट्रार सचिन जैन के द्वारा उसे यह पूछा मुनासिब नहीं समझा जाए कि आखिर अपना कितनी जमीन बेची लागे का रजिस्ट्री लेखक जो है अब रजिस्ट्रार कार्यालय चले ही या फिर कुछ चलाए सवाल बेहद बड़ा है। डिप्टी रजिस्ट्रार से जब ये बारे में पूछा गया तो उनके द्वारा बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान देगा और यह कहागा कि यह पूछो हमा को दो फर्ज न हो। आखिर जब रजिस्ट्री लेखक के रजिस्ट्री का सही माना जाता है वह लेख का सही माना जाता है और उसके बाद जब डिप्टी रजिस्ट्रार के का सिर्फ पैसा ही ठप काम है जब उन कौनो कहा जाए जो भूमि स्वामी होते उके जमीन के बारे में पूछम उचित मुनासिब नहीं समझे कि अपना कितनी जमीन बेच रहे हैं का बेच रहे हैं पैसा पाएं कि नहीं पाएं कौन स्थिति में बेच रहे हैं तो आखिरकार फिर डिप्टी रजिस्ट्रार की आवश्यकता का है। सबसे बड़ी बात की सूत्रन से प्राप्त जानकारी के अनुसार कि सिंचित रकबा व असिंचित रकबों के नाम पर डिप्टी रजिस्ट्रार सचिन जैन दोनों हाथन से लूट रहे हैं और उनके द्वारा खुलेआम या लूट का अंजाम दिया जा रहा है। शासन प्रशासन का एक गहरा जो है नुकसान पहुंचावे के प्रयास किया जा रहा है और उनके दूर पैसा वसूला जा रहा है। सिंचित रकबा के मां जो टैक्स शासन का मिले चाहिए वह न मिल के ओका जमीन का असंचित करवाए दे थे और असिंचित के जो टैक्स माफ होते ओमा आधा हिस्सा खुद सचिन जैन डिप्टी रजिस्ट्रार ले लिए थे। खुलेआम यमे
कारनामन का अंजाम दे रहे हैं डिप्टी रजिस्ट्रार, आखिर चाहत का है न उस शासन के आही न वो आम जनता के आही तो आही के कर खुलेआम हमारे साथ चल रही तस्वीर में अपना देखत हो वो सचिन जैन आही जे कुर्सी में बैठे काहे कि जब हम उनसे बकायदा उनके कार्यालय में जाके व पीड़ित गरीब के बारे में पूछें कि आखिर काहे अपना व व्यक्ति के साथ ही हमें करें, काहे नहीं पूछें कि कितनी जमीन बेचे चाहते लाग है, ता उनके द्वारा कहा गया कि यह हमारी जिम्मेदारी न हो। आखिरकार जब डिप्टी रजिस्ट्रार यह गैर जिम्मेदाराना बयान दे ही तब मोहन सरकार के कैसा या सपना जो मध्य प्रदेश में गरीबन के हित के फैसला करे वाली सरकार ही मोहन सरकार, ओकर फैसला कैसा जो है एक गरीबन के हित में माना जाए, सवाल बेहद बड़ा है लेकिन जवाब रहे। सुनी व गरीब पीड़ित के बयान जेके द्वारा बतावागा कि जब दोबारा हुआ सचिन जैन के लगे पहुंचा थे और कहा थे कि साहब हम 65 डिसमिल बेचे का कहे रहे और अपना 3 एकड़ 65 डिसमिल के रजिस्ट्री कह दिए, तो उनका सचिन जैन के द्वारा कहा गया कि यह गांजा पिए रहा नशाखोरी कह के आवा रहा, ऐसे यह में बात करने लागे और यह गांजा पी के और नशा कह के आवा रहा ऐसे यह में कह दिए। तो सवाल हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार सचिन जैन से है कि आखिरकार अपना बताई कि का कौवा व्यक्ति नशा में आवत है तो ओका देखे कि जिम्मेदारी अपना की नहीं है, यदि नशा में हो तो उसे अपना रजिस्ट्री कैसे करवा लिया, कैसा उठा लगवा लिया, कैसा दस्तखत करा लिया, सवाल बेहद बड़ा है लेकिन जवाब नहीं है। लगातार वह पीड़ित गरीब दर दर भटके का मजबूर है, पुलिस अधीक्षक से लेके कलेक्टर से लेके जगह जगह बाग रहा है, कहा थे कि हमारा नहरिया लड़का घर से बेघर हो गए, अब हम कौने बाप के लगे जे यू या न्याय मांगे। तो सुनी बयान आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम। क्या नाम है अपना के? देवराज। देवराज जी, ये बताइए जमीन बेचे आए हैं अपना जी, कितनी जमीन बेचे है? 2 एकड़। 2 एकड़ जी। पैसा पाए गए जी? कोठे दस्खत उस्खत कह आए? हाँ, ये बताइए कि कोठे का पूछी अपना से अधिकारी? अबे फोटो ही नहीं और कागज दस्तक कराए हैं, पूछी नहीं आए कुछ पूछी जानी नहीं, नहीं। कितनी जमीन बेची ला है कितना नहीं पूछी, ये पूछी दस्तावेज जो है तो पढ़े हैं कि नहीं? नहीं पूछने, कुछ नहीं पूछने। हाँ हाँ, दस्तखत करा ली, फोटो खींच ली जी जी। दस्तखत करी थी कि होटल लगाई? दस्तखत करा ली। तो पूछी ना अपना से अधिकारी कुछ होते? कुछ नहीं पूछने। हाँ, नहीं पूछ कलेक्टर साहब से। हाँ, और क्या कहें रजिस्ट्रार साहब? रजिस्ट्रार साहब कहें किताब उससे जीता है कहें क्या, हम कह सर हम 2 नंबर के भूल गए थे, हमारे 8 नंबर के रजिस्टर हो गया, कहें कैसे हो गया? तो हम कहें कि भाई जब लोग बैठे 2 नंबर तो वो तमाम हमको कहा 2 नंबर है, 2 नंबर की भी अंदर सही करावे और ऑनलाइन करावे उरावे हम नहीं गए, अंदर सही करावे तो हम कहें कि पोपल सहयोग कहेंगे जिसका जी राजे मजहब जी से कहें कहें नंबर है दिखाई है बतागर कहें 2 नंबर है कहें तो 2 नंबर हाँ कहें 2 नंबर है तो कहें नहीं दिखाई दी देवी कभी कहीं चलो नीचे ऐसे दिखाऊ फिर हो गया मान ली वो नीचे ले आती वो हमका कभी कलेक्ट्रेट लगे आए फोन बचा तो चलो कलेक्ट्रेट के होटल नीचे हो चाय नाश्ता करे पाए एक बाद भाई बात ले गए सी जी को जानी कहाँ कभी फिर 4 दिन पर चाय नाश्ता कराए से बुआ और ड्राइवर गोल हो गए दूध दूध 2.5 घंटा में लौट के आए फिर हम कल नहीं आते थल कपटी हो जाएंगे पर नहीं आ रही हम लेकिन कागज पाकर कहीं जला घरे चली छोटे दिखाई थे फिर घरे लग गए तो काहे दिखाने कहीं उसको हम ही हो गया फिर काल दिखाऊ पकाऊ तो जो नाराजेंगे गुस्से हम तो बताए नहीं हुए कहीं वाला फिर 5-6 रोज में हम पर राजेंद्र गुस्सा कहा कहीं रजिस्ट्रार पर रजिस्ट्रार साहब ये कहीं के 2 नंबर पर आया था गांजा हम तो पता है कि वो बताएं कि गांजा पिए रहा हम कहें हम गांजा दारू कुछ नहीं पिए रहे हम अपने को पता है इसके गांजा पिए रहा जब नहीं कहें हमको हमको बताएं तो कहीं हमको पता था हाँ तो कहीं तुम गांजा वांजा पिए रहे था हम कहें गांजा वांजा नहीं कहें हुआ 10 लाख रुपया दी थी हम कहें नहीं दी हमको हम 2 नंबर पर सब केवल हमको 2 लाख रुपये दी थी कहीं हमको पता है सर चला हो गया 11-25 लगवा चला हाँ